फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके जिंदगी में एक अच्छा साथी होना कितना जरूरी है, या आपको कभी किसी सेलेब्स को देखकर लगा हो कि काश मेरा भी ऐसा कोई साथी होता या रिलेशन होता जो हर कदम पर सपोर्ट करे। दरअसल मैं आज ऐसा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब बात एक अच्छे पार्टनर की आती है या किसी ऐसे कपल की आती है जो एक दूसरे का परफेक्ट मैच हो, तो विराट कोहली और अनुष्का का नाम आना तो बनता है बॉस। बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक ये एक ऐसा कपल है जिसे हर कोई पसंद करता है। आप खुद भी न जाने कितने पोस्ट इस कपल की लाइक करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फेमस और प्यारे कपल की लव स्टोरी कैसे और कब शुरू हुई? कोई नहीं, हम बताते हैं आपको इनकी लव स्टोरी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की पहली मुलाकात बेहद ही दिलचस्प थी। ये दोनों 2013 में एक एड शूट के दौरान सेट पर मिले थे। उस दौरान जो हुआ उसको विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अनुष्का से पहली मुलाकात में वो काफी घबराए हुए थे और अपनी घबराहट को खत्म करने और अनुष्का से बातचीत करने के लिए उन्होंने एक जोक मारा था। दरअसल एड शूट के दौरान अनुष्का विराट से लंबी लग रही थी, तो क्रिकेटर ने कह दिया था, आपको नहीं लगता कि आपने बहुत ऊंची हील्स पहनी है? विराट की ये बात सुनकर अनुष्का शर्मा को गुस्सा आ गया था और उन्होंने कहा था, एक्सक्यूज मी। अनुष्का के ऐसे रिएक्शन के बाद अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि बाद में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। विराट और अनुष्का की लव स्टोरी कुछ अजीब ही है। लोग किसी न किसी फ्रेंड के जरिए मिलते हैं, लेकिन कोहली और अनुष्का की मुलाकात एक एड शूट के दौरान हुई और फिर शुरू हुई इनकी प्यारी लव स्टोरी। इतना ही नहीं, 2014 में मेलबर्न में विराट ने शतक जड़ा था, वो तो याद होगा आपको। इस मैच को देखने के लिए अनुष्का भी पहुंची थी। अपनी सेंचुरी पूरी करने के बाद विराट ने स्टेडियम में सबके सामने अनुष्का को फ्लाइंग किस दिया था। इस मैच के बाद से दोनों में नजदीकियां और बढ़ने लगी थी। 2014 से 17 के इस लंबे सफर के बाद इस कपल ने शादी की 11 दिसंबर 2017 में। दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद आज इन दोनों के बच्चे हैं, वामिका और अकाय। आप भी जब इंस्टाग्राम या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर इस कपल की फोटोज को देखते हैं तो अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में सोचते होंगे, है ना? जो कि लाजमी है। हर कोई अपने पार्टनर में एक अच्छा दोस्त देखना चाहता है जो लाइफ में आपको सपोर्ट करे। ऐसा इसीलिए क्योंकि विरुष्का एक दूसरे को सपोर्ट तो करते ही हैं, साथ ही इनकी दोस्ती भी कमाल की है। कभी एक दूसरे की टांग खिंचाई करना या फिर प्यार जताना हो, दोनों ही किसी काम में पीछे नहीं रहते हैं। वैसे भी किसी भी रिलेशन में नोक झोंक तो चलती ही रहती है, तो इनके रिश्ते में भी होती है पर प्यार वाली। वो रील तो हर किसी ने देखी होगी जिसमें विराट मैच खत्म होने के बाद अनुष्का से बात करते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में एक दूसरे को टाइम और इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में अगर हमें इतना प्यार करने वाला पार्टनर मिलेगा तो भला कौन मना करेगा। बात चाहे रिलेशनशिप की हो या फ्रेंडशिप की, दोनों ही रिश्ते को बखूबी निभाना आना चाहिए। जिस तरह कोहली और अनुष्का की दोस्ती है, हर लड़का या लड़की चाहती है कि मेरे पार्टनर में भी ये खूबियां हो। लेकिन रिश्ते में ये भी जरूरी है कि अगर आप सामने वाले से कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरे। इस कपल की बॉन्डिंग सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जब एक अच्छा पति या पत्नी बनने की बात आती है तब भी विरुष्का को कपल गोल्स सेट करते देखा जाता है। तो कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी लव स्टोरी, वो भी विरुष्का की यानी कि विराट और अनुष्का की? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है या आपके रिलेशन में भी कुछ ऐसा ही नोकझोंक और पहली मुलाकात आपकी कैसी रही, अगर बताना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को।